हम लोगों को पेयजल स्वच्छता मंत्री हम लोगों को आज से 1-1.5 महीना पहले आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का काम 10 दिन के अंदर में हो जाएगा। आज 1.5 महीना बीत गया, उसके बावजूद भी 1.5 महीना बीत गया उसके बावजूद भी आज तक सरकार जो है सो फाइल खेल रही है। और इस खेल में हम लोग अब जो अभ्यर्थी हैं वो फंसने वाले नहीं हैं। अब हम लोग प्रण लेकर के प्रतिज्ञा लेकर के यहाँ आए हैं कि हम लोग आज नियुक्ति लेकर के ही जाएंगे। जब तक नियुक्ति नहीं तब तक घर वापसी नहीं। इसी संकल्प के साथ आज हम लोग शिक्षा मंत्री महोदय के यहाँ उपस्थित हुए हैं और शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोगों को 11 जिला के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत आस है, बहुत उम्मीद है कि हम लोगों की बात को ये सुनेंगे और हम लोगों को नियुक्त करने का काम करेंगे। हम लोग आज जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं उनका थोड़ा सा भी अगर संज्ञान ले लें हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, तो आज हम लोगों को नियुक्त करने का काम करेंगे। हम लोगों का फाइल का जो चक्कर बताया जा रहा है नौकरशाहों के द्वारा, उसको समाप्त करते हुए जल्द से जल्द जिला भेजने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसी आकांक्षा के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारे घर के हैं, हमारी संवेदना, हमारी भावनाओं को वो समझेंगे और घर के हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों का कल्याण करने का काम करेंगे। ये सरकार बोल रही है, ये हेमंत सोरेन का कहना है झारखंडियों की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड के युवा दर दर की ठोकरें रोजगार को लेकर खा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार अपने वादे पे या जो वादे करके आई थी उसको पूरा कर पा रही है? ये सरकार तो रियल में झारखंड की ही सरकार है, यहाँ के मूल वासियों, आदिवासियों की ही सरकार है। लेकिन जो उन्होंने प्रण लिया था, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो दिया था, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारे लिए कोई राजनीतिक लड़ाई में नहीं लड़ रहा हूँ, या हम लोग राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग 2016 से एक प्रतियोगिता परीक्षा दे करके पास करके मेहनत करके हम लोगों की नौकरी की अनुशंसा हुई है, तो हम लोगों को नौकरी देने का काम करें। और सरकार अपने स्तर पर क्या निर्णय लेती है राजनीतिक रूप से हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर 2021 का नियुक्ति वर्ष है तो सरकार के पास एक मौका है कि हम लोग 626 अभ्यर्थियों को नियुक्त करके उसकी एक भव्य तरीके से शुरुआत कर सकती है सरकार कि 2021 में हमने इतना छात्रों को नियुक्त किया। और इसी उम्मीद पर हम लोग यहाँ आए हुए भी हैं कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमको स्कूल भेजने का काम करेंगे। क्या हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने मेहनत किया है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने परीक्षा पास की है, बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना डिग्री हासिल किया है, लेकिन आज उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। आज हमारी ऊर्जा, हमारे शक्ति का यहाँ धरना में धूप में बैठ करके हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे बाल बच्चे परेशान हो रहे हैं, आर्थिक रूप से काफ़ी कमजोर हो चुके हैं। तो सरकार इसको संज्ञान ले, हमारे शिक्षा मंत्री संज्ञान ले और हम लोगों को नियुक्त करने का काम करे। और मैं मीडिया बंधुओं से आग्रह करूंगा, बार बार आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र में मीडिया चूंकि चौथी स्तंभ है, तो जो बात, जो सवाल हम अभ्यर्थियों से पूछा जा रहा है, इससे 4 गुना ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ ये सवाल आप सरकार से पूछे, सरकार को नींद से जगाने का काम करें, तो शायद यहाँ बेरोजगारी, यहाँ रोजगार का कोई मुद्दा नहीं रहेगा, हमारी नियुक्ति तुरंत हो जाएगी। लेकिन सर ये फाइल हम लोग, ये विधि विभाग और कर्मी विभाग और HRD ये सुनते आ रहे हैं हम लोग कई दिनों से, जबकि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग का क्लियरेंस मिला हुआ 1.5 महीना से 2 महीना हो गया। और अगर सरकार का नियत ठीक रहता, अगर वो चाहती तो हम लोग का काम 1 सप्ताह में करवा सकती थी, लेकिन इतने दिनों से बस केवल हमें गुमराह कर रही है। अब ये अधिकारी हमें गुमराह कर रहे हैं या फिर सरकार का नियत ठीक नहीं, ये हमारे समझ से परे है। लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ अधिकारियों से और सरकार से कि अगर हमारा फाइल विधि विभाग में है अभी, तो क्यों नहीं वहाँ से क्लियरेंस दिया जा रहा है, क्यों नहीं हमारा फाइल को आगे बढ़ाया जा रहा है, आखिर दिक्कत क्या है? पहले तो AG महोदय बताते हैं हाई कोर्ट में कि इन लोग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से हम लोग ऑर्डर लेकर के आते हैं, अब यहाँ पर विधि विभाग में अटका के रखा गया है, तो क्या अब हम इंटरनेशनल कोर्ट जाए? AG महोदय से पूछना चाहते हैं क्या हमें वो इंटरनेशनल कोर्ट भेजें, वहाँ से हम अपना क्लियरेंस लेकर के आए तब हमें नियुक्ति मिलेगी? झारखंड राज्य के हम लोग बेटी हैं, जंगल झाड़ की बेटी है, किस तरह से पढ़ के हम लोग आगे बढ़े हैं, किस तरह से यहाँ तक हम लोग आए हैं, ये हमारी सरकार भी समझ रही है।
और अभी हम लोग रोड पे घूम रहे हैं। तो अनुरोध है मेरा ये सरकार से कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे, हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे, और जो भी जहां पर भी हम लोग का फाइल है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हमें नियुक्ति पत्र चाहिए और एक सप्ताह के अंदर चाहिए। आप बोल रही थी कि सरकार की नीयत खराब है, आपको लगता है कि सरकार इस जो वादे करके आई थी उस वादों को पूरा नहीं कर पा रही है, युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? सरकार जो वादे किए थे उन पे हमको पूरा भरोसा था, इसीलिए हम उनको लाए भी, लेकिन अभी हमारे साथ छलावा हो रहा है। और हम सीएम से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हम जो युवा आपको लाए, जिस आस में लाए, उस पे आप खरा उतरिए। पहले हम लोग के नियुक्ति वर्ष जो आप घोषित किए हैं, हम लोग को नियुक्त करा करके उसका उद्घाटन कीजिए। बहुत दिनों से हम लोग लटके हुए हैं और हमारे ऊपर कोई किसी तरह का मामला है नहीं, और सारा प्रोसेस हो चुका है, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना है। इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है सर, क्यों हमें रोड पे भटकाया जा रहा है। हर एक अगर आप लोग सर्वे करें तो हाई स्कूल में एक शिक्षक पर पूरा स्कूल चल रहा है, मतलब कि उन बच्चों के साथ भी ना इंसाफी हो रहा है। उन बच्चों अभी जो हमारे किशोर सर जो यहाँ पे आप लोग के साथ बोल रहे थे, वो जिस बुलंद आवाज में वो अपना बात रख रहे थे, उसी बुलंद आवाज से अगर उसी आवाज को अगर इस्तेमाल करेंगे अपने क्लास में, अपने स्कूल में, तो समझिए कि बच्चों पर क्या असर पड़ेगा और कितना शिक्षा मिलेगी बच्चों को। सरिता कुमारी बोकारो से। हम लोगों को पेयजल स्वच्छता मंत्री हम लोगों को आज से एक डेढ़ महीना पहले आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का काम 10 दिन के अंदर में हो जाएगा। आज डेढ़ महीना बीत गया, उसके बावजूद भी आज तक सरकार जो है सो फाइल खेल रही है, और इस खेल में हम लोग अब जो अभ्यर्थी हैं वो फंसने वाले नहीं हैं। अब हम लोग प्रण लेकर के आइए, प्रतिज्ञा लेकर के यहाँ आए हैं कि हम लोग आज नियुक्ति लेकर के ही जाएंगे। जब तक नियुक्ति नहीं तब तक घर वापसी नहीं, इसी संकल्प के साथ आज हम लोग शिक्षा मंत्री महोदय के यहाँ उपस्थित हुए हैं, और शिक्षा मंत्री महोदय से हम लोगों को 11 जिला के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत आस है, बहुत उम्मीद है कि हम लोगों की बात को ये सुनेंगे और हम लोगों को नियुक्त करने का काम करेंगे। हम लोग आज जिस प्रकार से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका थोड़ा सा भी अगर संज्ञान ले लें हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, तो आज हम लोगों को नियुक्त करने का काम करेंगे। हम लोगों का फाइल का जो चक्कर बताया जा रहा है नौकरशाहों के द्वारा, उसको समाप्त करते हुए जल्द से जल्द जिला भेजने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसी आकांक्षा के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हमारे घर के हैं, हमारी संवेदना, हमारी भावनाओं को वो समझेंगे, और घर के हम लोग बच्चे हैं, हम लोगों का कल्याण करने का काम करेंगे। ये सरकार बोल रही है, ये हेमंत सोरेन का कहना है झारखंडियों की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से झारखंड के युवा दर दर की ठोकरें रोजगार को लेकर खा रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार अपने वादे पे या जो वादे करके आई